प्रदेश पुलिस ने कानपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी और 5 लाख के इनामी विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार कर लिया है। विकास दुबे पर 8 पुलिस वालों की हत्या करने का आरोप है। पिछले कुछ दिनों से पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए हरियाणा और दिल्ली में दबिश दे रही थी। यूपी पुलिस विकास दुबे के 5 साथियों को एनकाउंटर में ढेर कर चुकी है, वहीं कई साथियों की गिरफ्तारी कर चुकी है। विकास दुबे के 2 और साथी प्रभात मिश्रा और बउआ दुबे गुरुवार सुबह पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। पुलिस ने बताया कि कानपुर पुलिस टीम फरीदाबाद ने गिरफ्तार विकास दुबे के खास प्रभात मिश्रा को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर कानपुर लेकर आ रही थी। तभी बीच रास्ते में प्रभात ने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। इस दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग भी कर दी। पुलिस ने भी गोली चलाई तो प्रभात घायल हो गया। अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वहीं विकास का दूसरा साथी बउआ दुबे भी इटावा में मारा गया है। ये जानकारी इटावा SSP आकाश तोमर ने दी। पुलिस अफसरों के मुताबिक रणबीर शुक्ला ने देर रात महेवा के पास हाईवे पर स्विफ्ट डिजायर कार को लूटा था। उसके साथ 3 और बदमाश थे। पुलिस को लूट की जैसे ही खबर मिली चारों को सिविल लाइन थाने की काछेरा रोड पर घेर लिया। पुलिस और रणबीर शुक्ला के बीच फायरिंग शुरू हो गई। इस फायरिंग के दौरान रणबीर शुक्ला को ढेर कर दिया गया। हालांकि उसके 3 साथी भागने में कामयाब रहे। इटावा पुलिस ने आसपास के जिलों को अलर्ट कर दिया है। रणबीर शुक्ला पर 50,000 का इनाम पुलिस ने रखा है।